गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। इन दिस क्लास स्टार्ट द लास्ट एक्सरसाइज 1.3, चैप्टर 1, नोइंग ओवर नंबर्स, एक्सरसाइज 1.3। टॉपिक राउंडिंग ऑफ मीनिंग्स एस्टीमेट, नीरेस्ट 10, नीरेस्ट 100, नीरेस्ट 1000s। नीरेस्ट 10 के लिए हमने क्या चेक करना है, वंस प्लेस। नीरेस्ट 100 के लिए हमें टेंस प्लेस और नीरेस्ट 1000 के लिए हमें 100 प्लेस। लास्ट वीडियो में भी ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, अब ये चीज हम अपने क्वेश्चंस में फॉलो अप करेंगे। नीरेस्ट 10 मतलब जिस भी पोजीशन से पूछा है उससे एक प्लेस कम। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एस्टीमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल का मीनिंग बेटा होता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें आप देखो कि वो नियरेस्ट 10 हो सकता है, 100 या 1000s, उसके लिए आपको डिजिट्स चेक करनी पड़ेगी। और अगर कंडीशंस क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखी हुई है कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000, तो फिर जो कंडीशन रिटर्न है उसकी कंडीशन को फॉलो अप करना है। तो इसमें हम कहां तक, नीरेस्ट 100 तक कर सकते हैं, क्योंकि वंस टेंस 100, ठीक है ना। तो हम 100 तक कर सकते हैं क्योंकि 1000 के बाद के लिए डिजिट नहीं है हमारे पास, इसीलिए। तो इसमें हमें पहले क्या करना है, एक्चुअल एडिशन, एस्टीमेट एडिशंस। एक्चुअल एडिशन हम सिंपल करेंगे, 998, 730, 8+0, 8, 9+3, 12, 1 carry, 9 और 1, 10 और 7, 17। अब इन दोनों का एस्टीमेट 100 के लिए हमने प्लेस चेक की, कौन सी प्लेस चेक करनी है हमें, टेंस पे हमारा क्या है, 9। तो नेक्स्ट नंबर चेंज, दैट मीन्स हमारा राउंडिंग ऑफ कितना हो गया, 1000। 730 टेंस प्लेस पे हमारा क्या है, 3। नेक्स्ट नंबर नॉट चेंज, तो हमारा क्या रह गया, 700। तो हमारी इसका एस्टीमेट सम क्या हो गया, 0, 0, 0+7, 7 और 1, 1700। एक्चुअल क्या है हमारा, 1728 और एस्टीमेट हमारा क्या है, 1700। एस्टीमेट का मतलब उसके आसपास, तो 28 जो है हमारा किसके आसपास हो रहा है, इसकी राउंड फिगर निकालनी है, मतलब पीछे डिजिट ना हो के राउंडिंग में हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्टीमेट। पार्ट बी, सब्ट्रैक्शन, 796 - 314। एक्चुअल सब्ट्रैक्शन, एस्टीमेट सब्ट्रैक्शन, फिर हमें यूज वही जनरल रूल करना है। सिंपल माइनस किया, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 1 गए 8, 7 में से 3 गए 4। अब हमने इनको एस्टीमेट किया, एस्टीमेट के लिए चेक की टेंस प्लेस 9, देन नेक्स्ट नंबर चेंज, तो हमारा क्या हो गया, 800। अब सेकंड में टेंस प्लेस में हमारा 1, तो नेक्स्ट नंबर नॉट चेंज, तो हमारा कितना हो गया, 300। माइनस किया हमने इसे भी, सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, 8 में से 3 गए 5। एक्चुअल हमारे जो है सब्ट्रैक्शन कितनी आई है, 482, और ये किसके आसपास है, 500 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एस्टीमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। एस्टीमेट उसने पूछा है, एस्टीमेट प्रोडक्ट, सिर्फ एस्टीमेट बताना है, एक्चुअल नहीं। अगर कंडीशन पूछे एक्चुअल, तो एक्चुअल में आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। एस्टीमेट में देखिए 578, टेंस प्लेस पे हमारा क्या है, 7, नेक्स्ट नंबर चेंज, तो हमारा कितना आ गया, 600। सेकंड डिजिट हमारी क्या है, 161, टेंस प्लेस पे हमारा क्या है, 5, तो नेक्स्ट नंबर
चेंज, तो हमारा कितना आ गया 200। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, डेट मीन्स मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 200, 6 की टेबल 2 तक या 2 की टेबल 6 तक, दे आर द सेम मीनिंग, एक ही मतलब आता है ना बेटा उसको, 2 की टेबल 6 पर हो या 6 की टेबल 2 तक। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 जीरो 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 1,20,000, ये हमारा क्या हो गया एस्टीमेट्स प्रोडक्ट। जो एस्टीमेट कंडीशंस हमें पूछी होगी, अगर उसमें रूल लिखा है कि नीरेस्ट 10 नीरेस्ट 100 नीरेस्ट 1,000, तो हमने वही कंडीशन यूज करनी है, और अगर हमें लिखा है जनरल रूल तो हमें डिजिट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सेकंड लास्ट डिजिट के ऊपर जो भी रूल फॉलो अप होगा उससे हम कैलकुलेट करेंगे। अदर्स जो हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं आप इसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।